राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करते हैं फोर्स की, जिसमें गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। DPF इसका चोक हो चुका है, जिसके कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको DPF चोक होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो क्या करें? ये छोटा सा काम करके आप वर्कशॉप ले सकते हैं। यहाँ पर 20x22 का एक रिंच ले लीजिए, या फिर ऑक्सीजन वाली रिंच। उसके बाद यहाँ पे यह छोटू एक सेंसर लगा होता है, सेंसर के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, इस सेंसर को 22 नंबर रेंच के सहायता से आप इसको खोल लीजिए। खोल कर निकालने के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप वर्कशॉप ले जा सकते हैं। ये सेंसर हटाने के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी और वर्कशॉप ले जा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।